Assalamualaikum everyone, welcome to my kitchen. Guys, इस पूरे मंथ हम आपको डाइट ब्रेकफास्ट की रेसिपी देंगे. मैं खुद भी डाइट पे हूँ गाइस, तो हम सब मिलकर डाइट करते हैं पूरे मंथ और कुछ केजीज लूज करते हैं. तो चलिए हम बताते हैं आज आपको वाइट ढोकले की रेसिपी, या आप इसे रबर ढोकला या सूजी ढोकला जो भी कहना चाहते हैं. सेमोलिना से बनता है, इंग्लिश में सूजी को सेमोलिना भी कहते हैं. तो आपके साइड में जो भी कहते हैं, हम अच्छी से ढोकला बनाएंगे. सूजी का इसलिए हम बनाएंगे क्योंकि सूजी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती है और बहुत देर में डाइजेस्ट होती है, तो आप बहुत देर तक फील ही फील करेंगे. तो इसलिए आज हम बनाते हैं रवा ढोकला. तो इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या चाहिए चलिए देखते हैं. इसमें गाइस बहुत ही ज्यादा आसान है ये रेसिपी, बस आपको मेजरमेंट का ख्याल रखना है. तो आप एक कोई भी बोल ले लीजिए जिसे आप मेजर करेंगे, या कोई भी मेजरिंग कप भी ले सकते हैं या कोई बोल ले सकते हैं. तो हमने एक बोल लिया हुआ है, इसमें एक बोल भर के हमारे पास योगर्ट है, एक बोल हमारे पास सेमोलिना है, और हमें चाहिए अदरक हरी मिर्ची. ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, या तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है. और हमें चाहिए साइट्रिक एसिड, एक इनो चाहिए हमें राइस करने के लिए, इनो की जगह आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं. और तड़के के लिए हमें चाहिए राई, कड़ी पत्ता, फ्लेक की हरी मिर्चें और सेसमी सीड्स. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक और हरी मिर्ची को जार में डाल देंगे, साथ ही में हम डाल देंगे ये योगर्ट हमारा, इसको भी इसी में डाल देंगे. और गाइस अगर आपको मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊं तो एक बोल आपका योगर्ट जाएगा और एक बोल पानी जाएगा. आपको सूजी को एक बार मिक्स करके छोड़ना है, फिर वो राइस हो, फिर दोबारा पानी डालने से अच्छा आप थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी रखिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट के बाद जब सूजी सोक कर लेगी वाटर तो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी आपकी मिक्सचर जो है. तो हम इसमें एक कप पानी भी डाल देते हैं. इस बोल से हमने योगर्ट लिया था, उसी बोल से हम एक बोल पानी इसके अंदर डाल देते हैं. साथ ही हम डालेंगे इसमें एक टेबल स्पून ऑयल, जिससे हमारा ढोकला मॉइस्ट बनेगा. नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा, क्योंकि ढोकले में नमक टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना इसमें मिर्च टेस्ट अच्छी लगती ना नमक. तो हम जब मिक्स करेंगे तो उस टाइम टेस्ट कर लेंगे. और हम शक्कर डालेंगे सिर्फ एक टीस्पून, क्योंकि हम डाइट ढोकला बना रहे हैं. अगर आपको मीठा पसंद है तो आप शक्कर ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बस बैलेंसिंग के लिए 1 टीस्पून डाल रहे हैं. और बस हम इस मिक्सचर को ब्लेंड करके लाते हैं, फिर हम इसी में अपने सूजी को मिक्स करेंगे. हमारी मिक्सचर डन हो गया है, तो हम इसे क्या करते हैं, इस बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं. और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अराउंड साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड क्या करती है कि आपके ढोकले को कुछ ज्यादा ही फ्लफी कर देती है. अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है. साथ ही हम इसमें डाल देंगे साइट्रिक एसिड. गाइस 1/2 टीस्पून डालेगा, बिल्कुल ज्यादा मत करिएगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा आपका मिक्सचर. तो हम मिक्सर से पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. और साथ ही में हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी सेमोलिना या रवा ऐड करते जाते हैं, जिससे हमारा इडली जैसा बैटर तैयार हो जाए. इवन इडली से भी थोड़ा सा पतला, क्योंकि अभी ये सूजी सोक करेगी ये पानी, ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी. गाइस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. एक ही साइड पे इसको चलाइएगा, क्लॉकवाइज घुमाते जाइएगा. और अभी तो ये देखिए आपको थोड़ा सा फ्लोई लग रहा है ना, लेकिन अभी 15 मिनट बाद ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा. तो आपको दोबारा फिर से पानी या कुछ डालने की जरूरत नहीं है. और क्योंकि ये व्हाइट ढोकला तो हम इसमें कोई हल्दी नहीं डाल रहे हैं. अगर आपको येलो कलर पसंद है तो आप एक पिंच हल्दी डाल सकते हैं इसमें. अब हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं. अगर आप आधा घंटा छोड़ेंगे तो और भी अच्छा है. जब तक ये रेस्ट कर रहे हैं हम क्या करते हैं, पानी रख देते हैं स्टीम करने के लिए. 2 से 3 ग्लास पानी एक किसी भी बर्तन में, जिसमें आपका ये केक टिन चला जाए. आपको कोई भी मोल्ड थाली, मोल्ड केक टिन जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस ये मेक श्योर करिएगा कि बहुत फ्लैट ना हो. अगर आपका ढोकला चपटा हो गया तो वो फिर राइज नहीं होता, फिर वो बैठ जाता है. इसीलिए बहुत चौड़ी थाली इस्तेमाल नहीं करते ढोकला बनाने के लिए. ये टिप आपके लिए, कभी ऐसा ना करिएगा. तो बस हम ये केक का टिन ले रहे हैं, क्योंकि हम छोटा ढोकला बना रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं बना रहे. तो बस अब इसी में डाल देंगे हम, तब तक पानी गर्म होने के लिए रखते हैं. बस 15 मिनट हो चुके हैं. देखिए अब ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया, देखिए ठीक हो गया ना. अच्छा अगर आप बिगनर हैं गाइस तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने 1 फुल बोल सेमोलिना या सूजी का लिया था तो 1 बोल हमारा योगर्ट था, और जो 1 कप पानी हमने डाला था ना, वो आप जब मिक्सचर ऐड करेगा तो थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के ऐड करेगा. अगर एकदम से मिला दे तो कहीं पतला ना दे, क्योंकि कुछ सूजी ज्यादा पानी लेती है और कुछ कम लेती है. तो आप जब पानी ऐड करिएगा तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइएगा और पानी डालते जाइएगा. जब आप इसको 15 मिनट रेस्ट देंगे तो आपको सही कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी. देखिए इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना बहुत थिक ना रनी, बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी जैसे होती है रवा इडली की, उस तरह की. तो बस अब ये अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा 5 मिनट अच्छा सा रेस्ट कर लीजिएगा, और वो भी एक ही डायरेक्शन में. इससे आपका ढोकला ज्यादा फ्लफी बनेगा. तो हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से रेस्ट कर लेते हैं. और हमारा पानी बिल्कुल स्टीम होकर तैयार हो गया. 5 मिनट हो गया हमें रेस्ट करते हुए. तब हम क्या करते हैं, इसमें इनो डाल देंगे. इनो का कोई नाप अपनी, एक सैशे इनो का आप ले लीजिएगा, उसमें 1 टीस्पून अराउंड होता है. तो वो हम इसमें डाल देंगे और सब कुछ रेडी रखिएगा, क्योंकि इनो डालने के बाद हम इसमें रेस्ट नहीं देंगे, फौरन हम स्टीम करने के लिए से डाल देंगे. तो हम इसमें इनो डालते हैं, 1 टीस्पून पानी डालेंगे ताकि हमारा इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए. और बस इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे, बहुत जल्दी नहीं करिएगा, फोल्डिंग करेंगे हम इसकी. देखिए फ्लफी होने लगा है, बस इसे अच्छे से पूरे में मिक्स कर देते हैं.
बस इस तरह से डबल हो गई हमारी, अब बस फौरन हम इसे तेल में फोर कर देंगे। क्या करेंगे, एक रेड चिली ले लीजिएगा, फ्लेक्स मत डालिएगा नहीं तो कलर खराब हो जाएगा। अगर आपको गार्निश करना बस ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े में इधर उधर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा अगर आपको पसंद है तो, ये ऑप्शनल स्टेप है इफ यू वांट। स्टीम हो रहा है और हम इसे हटा देंगे और हाथ को बहुत अच्छे से बचा के जलने से स्टीम को इसमें पोर कर देंगे, केकिन को अंदर डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे स्टीम होने के लिए। फुल फ्लेम पे इसे 15 मिनट के लिए स्टीम होने दीजिएगा, फिर 5 मिनट हम चेक कर लेंगे पहले, तो 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे टूथ बिट डाल दिया हो गया है कि नहीं, नहीं तो ये 15 से 20 मिनट लेता होने में। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। हमारा ढोकला पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए, यानी 16-17 मिनट हुए हैं, तो हम खोल के कुछ चेक कर लेते हैं। पहले स्टीम निकल जाने दीजिए वरना हाथ पे स्टीम लग जाएगी। अब हम हाथ ये बीच में डाल के देख लेते हैं टूथपिक, देखिए और क्लियर ही निकली ऑलमोस्ट। अब इसे ऐसे ही खुला करके छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है, हम चाकू चारों तरफ से घुमा लेंगे, बहुत आसानी से ये खुद ही छोड़ देता है, और इसको एक प्लेट में पलट लेंगे। अच्छा ढोकला स्पॉन्जी बना है कि नहीं इसकी पहचान है, अब जब पलटिएगा तो हल्का सा टैप कर लीजिएगा तक आसानी से बाहर आ जाएगा अगर आपने ग्रीस सही से किया है। और गाइस ये देखिए आप क्लोजअप में दिखाइए, देखिए पोर्स जो है कितने ओपन दिख रहे हैं, यानी बहुत अच्छा फ्लफी हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। और ये सिर्फ एक बोल का ढोकला है जो इतना फ्लफी इतना बड़ा सा तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा ढोकला, हम इसे सीधा कर लेते हैं और बस अब इसमें तड़का लगा देते हैं। तेल हमने गर्म होने के लग देते हैं, ये 1 टेबल स्पून अराउंड है। पहले ये राई डालते हैं, हमारी राई अच्छी से कटक जाए, फिर साथ ही हम डाल देंगे ये तेल। कैरफुल होइएगा, ये बहुत चटकती है राई और तेल भी, साथ ही हम डालेंगे ये करी मिर्च और ये स्प्लिटी हुई हरी मिर्च है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे तड़के में। इसे अच्छे से इंफ्यूज होने देंगे ऑयल में, तड़का अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अराउंड पानी, से बहुत ज्यादा पानी नहीं, बस सारे फ्लेवर्स को आपस में इंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा पानी हम इसमें डालते हैं। 1/2 टीस्पून अराउंड चीनी थोड़ी सी डालेंगे, और शक्कर डालने के बाद हम इस पानी को एक बॉयल देंगे बस, और बस ये तड़का हम उसमें डाल देंगे। अच्छा तड़का डालते वक्त मेक श्योर करिएगा कि आपका ढोकला ठंडा हो गया हो, नहीं तो थोड़ा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। बस ये ऊपर से हम पोर कर देते हैं। हमारा खूबसूरत शानदार सा डाइट ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस। बिल्ली भी जितना खूबसूरत है दिखने में, लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ये डिलीशियस लगता है। खा लेते हैं कि कितना स्पॉन्जी और फ्लफी हुआ है हमारा ढोकला, देखिए काटने में ही पता चल रहा है कितना स्पॉन्जी है। देखिए आपको देख के पता चल रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी और फ्लफी हुआ है। बिलीव मी गाइस बहुत ही मजे का होता है। और आपको अगर इसका मतलब हाइट देनी है, आपको केक की तरह बनाना है, तो आप 2 बोल का ये पोर्शन बना लीजिए, या छोटी बर्तन में बनाइए तो आपका ऊंचा बनेगा। हमारा शानदार से ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस, ये बेहतरीन डाइट फूड है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाएं बनाएं खाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।